हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब खैरियत होंगे? मेरी खैरियत से हैं। और ये जो है ना सुख वॉइस है, ओके, बहुत बड़ा रहा है। और यहाँ पे कारपेट वगैरह फर्नीचर वगैरह मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये गेट नंबर 3 का है। और यहाँ पे जो ना अंदर में पार्किंग कोई भी बंदा करते हैं तो उसका पैसा लगता है। और इसी साइड में जो है ना सुख ताइबा भी हो चुका है। यहाँ पे गोल्ड वगैरह का, ये सामने जो दिख रहा है पूरा गोल्ड गोल्ड का जो है ना शॉप है, बहुत बड़ा। और ये टैक्सी हो चुका, और वाइट कलर का भी है। और ये अभी शाम का टाइम है। कोई भाई मिल नहीं रहा, मैं तो इंटरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। और ये अल राजी का जो है ना बैंक का ऑफिस भी देख रहे हो, हेड ऑफिस यही है। तो कोई बंदा नहीं दिख रहा होगा, कोई बंदा दिखता है तो फिर उसका इंटरव्यू भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सब खैरियत भाईजान? जी हम इंडिया बिहार से हैं। और आप भजन? कहाँ इंडिया, कहाँ बिहार का है? बिहार मधुबनी से हैं। मधुबनी? जी जी मधुबनी, खास मधुबनी में गाँव में नहीं, थोड़ा हटके है। थोड़ा हटके आप मधुबनी से है का? बिहार से, मधुबनी से तो नहीं है। कहाँ से हैं? पटना से। पटना से, माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? अरे तो कितना उम्र है आपका? हमारा तो समझ लीजिए 30 है। 30 जी, मैं तो उसी उम्र में आया यहाँ पे। हाँ जी माशाल्लाह। तो भजन, ये जो ड्राइव गाड़ी चलाते हैं ये अपना खुद का है कि क्या? ये जो मैं खैरिया है। हाँ खैरिया का है, खैरिया का सामान आता जी, उसी में काम करते हैं कंपनी में। हाँ जमा खैरिया का। तो कितना घंटा ड्यूटी होता है कुछ बता सकते हैं आप? मेरा ड्यूटी तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं इधर 3 बजे 4 बजे आता हूँ जी, 9:30-10 रात में चले जाते हैं। चलिए अच्छी बात है। और नाम क्या हुआ भजन? नाम है मोहम्मद साहिद हुसैन। मोहम्मद साहिद भाई, चलिए साहिद भाई जो है ना यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा हो गया कि 30 साल हो गया? 24 साल खलास होने वाला। 24 साल खलास होने वाला है, यानी लाइफ गुजार दी आधी उम्र यहाँ। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो है तो हैवी के बारे में बताइए कुछ। कोई भाई नए आना चाहते तो उसका कैसे होगा, कोई परेशानी? आप तो यही कहेंगे जी, क्या बताएं, बताना चाहेंगे बताएं? अभी तो नाम है तो अच्छा है। चलिए अच्छी बात है आपका। अगर अच्छा, अगर जॉब मिलता है, पैसा अच्छा मिलता है तो ठीक है। अगर कम पैसे वाले का तो जिंदगी खराब। फिर भी कितना होना चाहिए था आपके हिसाब से? 2000-2000 होना चाहिए। आपका अभी कितना है कुछ बता सकते हैं अपने बारे में? तो वही तो बता रहा हूँ, अब जाके हुआ ना, पहले तो जानते हैं कम था। पहले कितना था, अभी क्या चल रहा है? चलिए ठीक है, सिगरेट रहने दीजिए। तो जी देख, यहाँ पे खैरिया वाले काम में जो ना ड्राइवर में आते हो तो यही से ही जो ना सामान वगैरह आपको जो है ना, यानी कोई बंदे दे कर जाते तो यही सामान सब होता। तो भजन, तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि 1500 या 2000, यानी 2000 आपके हिसाब से? हाँ जी, तो 1200-1400 में 1500 में क्या होने वाला, यानी कुछ नहीं होने वाला इंडिया में, चला सही है। हाँ तो इंडिया में जो है ना ये वो भी नहीं मिल रहा था, यानी 1000 भी नहीं कमा, यानी 5000 भी नहीं कमा रहे, तो फिर उसके लिए क्या ये बता। तो भजन ये कौन सा एरिया है? सुखतैबा। और उस साइड कौन सा? अलवेस है। आधा सोने का दुकान है। ये सोने का दुकान है आधा? हाँ पूरा आधा मार्केट सोना का है। बहुत पुरानी मार्केट है। ओरिजिनल यहाँ पे मिलता सामान, सोना? सोना ओरिजिनल का ये है, इंडिया समझ है। यहाँ पे यानी एवरीथिंग, यहाँ पे जो भी चीज़ लोगों को ओरिजिनली नहीं मिलता, नहीं तो यहाँ पे जो है ना माइनस प्लस नहीं होता है अपने यहाँ जैसे। और ये सुख वॉइस हो गया और ये सुख तैवा हो गया, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो भजन आप ऑलरेडी बता रहे थे कि यानी 2000 में आना है, तो 5000-10000 रुपया कमा रहे बंदा, तो वो क्या करे पहले बताएं आप? और चलो आ जाए, सुख रिजी का मालिक अल्लाह है। बेसर ठीक है ना? जी जी, अगर आना है तो आ जाए, आना चाहते तो आ जाए, मुश्किल नहीं। यानी कम से कम आपके हिसाब से जो है ना कोई ड्राइवर वगैरह में आते हैं तो फिर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? यानी 2000 होना चाहिए आपके हिसाब से, बाकी घर है, पानी तक जाते नहीं, सब अपना जी जी जी।
हाँ वहाँ से तो चलो अच्छा है। तो जैसे कि आपको पहले समझ ले जी, ये नहीं फिर आने के बाद जाते कुन 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 जी कि मेरे पैसे नहीं जी। जैसे कि आपका जो है 25 साल हो चुका है, तो फिर यानी कितना दूसरा कोई अच्छा काम आपके हिसाब से है कि बस वही ड्राइविंग के बारे में मालूम है? अच्छा काम कोई दूसरा काम जैसे कि आपके हिसाब से? आजकल तो सऊदी में बहुत से चीज़ में मम्मू सब सऊदी चाहिए, सऊदी चाहिए, सऊदी चाहिए। यानी जो अच्छा अच्छा काम है वहाँ पे सऊदी बैठ रहे हैं खुद? हाँ सब जो है जी जी जाते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाला सब घूम रहे हैं जी जी। हाँ सऊदी चाहिए, सऊदी चाहिए, सऊदी चाहिए जी। यानी जो आदमी आया हुआ है जी जी, आया हुआ है जी जी, ये कहाँ पे आदमी है? आदमी है, वीजा वजा है बताइए? वीजा नहीं तो यहाँ पे आदमी है, तो यहाँ पे आदमी है तो तनाजुल वगैरह हो सकता है यानी? हाँ चलिए अच्छी बात है। तो कोई भाई जो तनाजुल वगैरह क्या क्या काम के लिए ट्रांसफर करवा सकते हैं? होटल में जाते होटल की तनख्वाह कितना? 1700 देगा, खाना पीना रूम सब ट्रांसफर करवा दीजिएगा। हाँ चलिए। और दूसरा जो है कि कालीन वगैरह की दुकान ट्रांसफर करवा दीजिएगा। हाँ लेकिन वीजा उसका कौन सा होना चाहिए? कोई सा भी वीजा रहेगा तो चलेगा? तो सवाक नहीं होना चाहिए, आजकल चेकिंग बहुत है, आमिल आदि होना चाहिए, इसका काम वही काम करेगा यानी आमिल आदि होना चाहिए। आ, दूसरा जी काम वाला करते ही नहीं चाहिए जी जी जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया मेहरबानी आपका। ओके और कोई आपके जानने वाले देख रहे हैं तो उसको क्या सलाम दुआ करना चाहेंगे आप? कोई आपके जानने वाले देख रहे हैं आपका वीडियो तो आप उसको सलाम दुआ करेगा? और कोई मान है तो सब सलाम दुआ करेंगे। चलिए ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। चलिए ठीक है, शुक्रिया मेहरबानी, अल्लाह वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातहु। खुश रहे जहाँ भी रहे, आबाद रहे जी जी, और हम सब के लिए भी दुआ करें यहाँ पे है कि नहीं वैसा। ओके अल्लाह हाफिज़।